सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया कि क्रिमिनल पर विचार किया जाना चाहिए, लागू होना चाहिए, और उस पर कैबिनेट ने मना कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और ये मना कर दिया, हम किसी प्रकार का क्रिमिनल लागू नहीं करेंगे। तो केवल राजनीतिक फायदे के लिए लोग बाग एसटी एससी को गुमराह करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं, देश में हिंसा फैलाना चाहते हैं, वो किसी भी तरह से उचित नहीं। उदयपुर की घटना, बड़ी घटना हुई है, बच्चे की मौत हो गई। उदयपुर एक शांत शहर है, पिछले राज में सर तन से जुदा कर दिया था कन्हैयालाल का, और अब ये कर दिया। उन्मादियों को सख्ती से नियंत्रण करना होगा। एक सदस्य अभियान है पार्टी का, आपके 1 करोड़ का लक्ष्य लिया। मैं तो सदस्य बहुत पहले से हूँ, 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, मैं उन सदस्यों में से हूँ, और जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी अधिक से अधिक सदस्यता अभियान को बढ़ावा देंगे, काम करेंगे मैदान में। 6 सीटों पर उपचुनाव है, लोकसभा में आप उस लक्ष्य से चूक गए, तय किया था। प्रयास करेंगे, एक लक्ष्य से चूके नहीं, अर्जुन ने जो निशाना बनाया था मछली की आंख पर, वैसे सटीक निशाना लगे 6 सीट पर, इस बात का प्रयास किया जाएगा। आप कितने सक्रिय रहेंगे इस उपचुनाव में? मैं तो अब भी सक्रिय हूँ, बाढ़ में घूम के आया हूँ, आपने देखा होगा, मैं सदैव सक्रिय रहता हूँ और चुनाव में भी सक्रिय रहूंगा। हाँ, मैं कैबिनेट का सदस्य हाल फिलहाल में नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इस्तीफा दे रखा है। बड़ा सस्पेंस बना हुआ है, विपक्ष भी हमला बोलता है कि आपदा मंत्री कहाँ है, बाढ़ आ रखी है। आपदा मंत्री बाढ़ में घूम रहा है, आपने देख लिया, मैं भरतपुर घूम के आया, बयाना गया, वैर गया, हिंडौन गया, करौली गया, गंगापुर गया, सवाई माधोपुर गया, और भगवान न करे बाढ़ आए, किसी को नुकसान हो, जहाँ जहाँ आपदा में आएंगे लोग मैं वहाँ जाऊँगा। वो तो पहली बात है, आपदा मंत्री के नाते गए, आपके विधायक के नाते गए, अब कुछ भी मान लो। नहीं, हेलीकॉप्टर वाली जैसी कोई बात नहीं, कोई नाराजगी मैं रखता नहीं, हेलीकॉप्टर में घूमने का आदि नहीं हूँ, मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ, सड़क पर घूमता रहता हूँ। पार्टी मनाएगी तो आप फिर से मंत्री पद ज्वाइन कर लेंगे? मनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को कोई नाराजगी पार्टी से नहीं है, न मुख्यमंत्री जी से, न प्रदेश अध्यक्ष से, न केंद्रीय नेतृत्व से। मेरी नाराजगी तो मेरी खुद से है कि जहाँ मैं 45 साल से सतत संपर्क कर रहा हूँ जनता में, दिन रात आपने देखा है, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, और भूमि समाधि आंदोलन करे तो जमीन में भी बैठ जाता हूँ कड़ाके की ठंड में, ये मेरे स्वभाव में है। तो मेरी नाराजगी किसी से नहीं है, मेरी अपने आप से नाराजगी है कि मैं उन वोटों को पार्टी में नहीं डलवा सका। अब ये तो मनने का तो समय आता है, जब जब भवानी जगेगी, जब मन जाएंगे, नहीं तो चली रहे। ना दौसा को उपचुनाव तो हम जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, वो हमारी जिम्मेदारी। लेकिन एक क्रिमिनल की एक मैं बात बताना चाहता हूँ, जो हटकर है सारे देश में जो आंदोलन चल रहा है, मैं सुप्रीम कोर्ट की भावना के साथ, ये मेरे व्यक्तिगत राय है, इसलिए साथ हूँ कि मेरे गांव में, मैंने उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति 30 साल से पहाड़ खोद के मजदूरी करके पेट पालन कर रहा है, उसके बेटे भी उसी ढर्रे पर है, मेरा पड़ोसी, और मैं डॉक्टर भी बन गया, मेरा भाई RS IAS भी बन गया, मैं MLA मंत्री भी बन गया, लेकिन वो अभी तक नहीं बन पाया, उसको मौका मिलना चाहिए।